हेलो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आपकी गाड़ी के लिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो बहुत ही शानदार होने वाली है। लेकिन इसमें कोई मैजिक या ट्रिक नहीं है जिसके बाद आपकी गाड़ी बहुत ही स्मार्ट हो जाएगी या एकदम हेवन बन जाएगी। पर हाँ, आपको जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो आपके बहुत ही काम आ सकती है। मेरा नाम है रंजीत और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं माई मशीन का न्यू वीडियो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है टायर इन्फ्लेटर। अब यार, गाड़ी में टायर में हवा नहीं होगी तो गाड़ी चलेगी कैसे? उसका चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि आजकल जो गाड़ियाँ आती है उसमें ट्यूबलेस टायर आते हैं, फिर भी उनमें हवा तब तक रुकती है जब तक वे घूमते रहते हैं। जैसे ही गाड़ी बंद हुई या रुक गई, वैसे ही सारी हवा गायब हो जाती है। दोस्तों, इनका जो प्राइस होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 1500 के आसपास के ये प्राइस में आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कार एसेसरीज़ की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाता है। ये इलेक्ट्रिक और मैनुअल दोनों तरह के होते हैं। जो 12 वोल्ट के जो सॉकेट होता है कार में, उसमें ये 2 से 3 मिनट में हवा भर देते हैं। और जो मैनुअली पम्प होता है, ये आपकी ताकत पर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना समय देने वाले हैं। इसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। वैसे तो कार में आजकल दोनों साइड में और अंदर जो रियर व्यू मिरर या ORVMs होते हैं वो लगे होते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी में कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन्हीं चांसेस को कम करने के लिए यूज़ आता है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। ये साइज में बहुत ही छोटा होता है लेकिन बहुत ही काम की चीज़ होती है। ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो ORVMs पर लग जाते हैं और आपको एक वाइड एंगल व्यू प्रोवाइड करते हैं। ये इलेक्ट्रिक कंट्रोल और अलग अलग डिज़ाइन में तथा सस्ते और महंगे सभी प्रकार के होते हैं। इन्हें अपनी गाड़ी पर जरूर लगाएं। इनका प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता है, 200-300 के आसपास इनका प्राइस होता है और जो क्वालिटी के साथ बढ़ता जाता है। जलवा है हमारा। दोस्तों, इसके बाद आता है रियर सीट मल्टीपल पॉकेट बैग। यदि आप बच्चों के साथ ट्रेवल करते हैं या आप ज़्यादा सामान कैरी करना पसंद करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। ड्राइवर और को ड्राइवर सीट्स के पीछे इसको लगा सकते हैं, जिसमें मल्टीपल पॉकेट होते हैं जिसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। बिलीव करिए, ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। इसमें टेबल ट्रे जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं, जिसे आप अगर पार्टी के शौकीन हैं तो जल्दी से इसे लगवा लीजिए। इसमें आपको सीट के साइड में लगने वाले बैग का ऑप्शन भी मिलता है जो आपको कम प्राइस 300 से 500 तक आसानी से मिल जाएगा, जबकि जो पीछे जो लगने वाला बैग होता है वो आपको 1300 से 1500 के स्टार्टिंग प्राइस में आसानी से मिल जाएगा। ये बढ़िया था गुरु। दोस्तों, इसके बाद आता है एयर प्योरीफायर। आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी हमेशा महकती रहे, बैक्टीरिया वायरस से बची रहे, सिगरेट या किसी अन्य प्रकार की बदबू आपकी कार में नहीं रहे और कोई भी बैठे तो आपकी कार की तारीफ करे, तो ये आप जरूर लगवाएं। प्योर हेल्दी एयर के लिए ये इलेक्ट्रिक और नेचुरल दोनों प्रकार के आते हैं। नेचुरल जो होते हैं वो थोड़ा सस्ते होते हैं, 400-500 में आपको आसानी से अमेजोन या फ्लिपकार्ट मिल जाएंगे, जबकि जो इलेक्ट्रिक होते हैं वो आपको थोड़े से महंगे मिलेंगे, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। इनका प्राइस रेंज आपको 4000 से 6000 के आसपास रहेगा। गुड स्मेल, फ्लेवर। दोस्तों, इसके बाद आता है डैश कैम। ये तो समझ लीजिए हर गाड़ी में होना चाहिए, क्योंकि पापा के परिया कहाँ से आ जाए पता नहीं। खैर, ये तो रहा मजाक, पर यार आपकी गाड़ी की सेफ्टी और आपकी सेफ्टी के लिए ये बहुत ही जरूरी डिवाइस है। ये आपको कभी कभी इंश्योरेंस क्लेम करने में भी बहुत हेल्प कर सकता है। कार में कहीं भी लगा सकते हैं, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है। 3000 के स्टार्टिंग प्राइस में आपको ये आसानी से अमेजोन या फ्लिपकार्ट मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है वेंटिलेटेड सीट। आपकी गाड़ी लग्जरी कार नहीं है और आप उसमें लग्जरी फीलिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपको बहुत ही शानदार ऑप्शन है। इसमें होता ये है कि आपकी सीट जो होती है उसको चेंज नहीं करते, उसके ऊपर ही ये लगा दिया जाता है और ये मात्र 12 वोल्ट का जो सॉकेट होता है उसमें ही चल जाता है। ये गाड़ी की जो सीट्स होती है वो ये कूलिंग नहीं करता, पर इसमें जो फ़ैन लगा होता है वो आपकी गाड़ी की जो एसी की हवा होती है उसको आपके बैक और थाई तक पहुंचाता है, जिससे आपको वेंटिलेटेड सीट होने वाली फीलिंग आती है। ये सिर्फ फीलिंग देने वाला डिवाइस है। ये आपको 5000 से 7000 तक आ जाता है। ये कैसा काम करता है, इसकी रिलायबिलिटी कैसी है, ये मेरे को नहीं पता। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्राई करें और जो अपना एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करें। और अगर ये आपको उम्मीद के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करे तो प्लीज़ आप मेरे लिए अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मेरे को इसका कोई भी आइडिया नहीं है।
अरे कहना क्या चाहते हो दोस्तों। इसके बाद आता है पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर। अगेन ये आजकल सभी लग्जरी कार्स में होता है और आपकी गाड़ी में नहीं है तो आप इसे लगवा सकते हैं। यदि आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं या आप पार्टी करने के शौकीन हैं तो आपकी गाड़ी में ये होना ही चाहिए। आप इसे गाड़ी के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक प्लग लगा होता है जो आपको 12 वोल्ट के जो सॉकेट है उसमें भी चलेगा। साथ में आपको घर की इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर से कनेक्ट करके भी आप इसे चला सकते हैं। इसका जो प्राइस रेंज होता है वो 5,000 से 10,000 के बीच होता है, जो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो यार ये सभी चीज़ें थी जो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए या आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ करके देख सकते हैं, आपको 100% ये कुछ ना कुछ कंफर्टेबिलिटी जरूर देगा। वीडियो कैसे लगी? अगर नॉलेजेबल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।